आज हमारा टॉपिक रहेगा सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन हेल्प्स अस टू सेंस आर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेंसरी सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के हो गए, एक तो हम कह सकते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी हम उन सेंसरी सेल्स को कहते हैं जो खुद एक न्यूरॉन की तरह एक्ट करेंगे। न्यूरॉन की तरह कैसे, यहाँ से स्टिमुलस आएगा, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एक्सॉन में, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होगा एक्सॉन टर्मिनल पे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो वो सेंसरी सेल्स जो खुद एक न्यूरॉन की तरह एक्ट करें और जिनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, उनको हम कहेंगे प्राइमरी सेंसरी सेल्स। जैसे आपके मकैनो रिसेप्टर्स में होता है। सेकेंडरी सेल्स हम उन सेल्स को कहते हैं, सेंसरी सेल्स को कहते हैं जिनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ स्टिमुलस लेते हैं, डीपोलराइज होते हैं, और डीपोलराइज होने पे इनके अंदर जो वेसिकल्स होते हैं उनमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। इनमें कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होगा, जो इनके एडजेसेंट न्यूरॉन होगा उस पर जब ये ट्रांसमीटर जाके बाइंड करेंगे तब उनमें जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। प्राइमरी में तो सेंसरी सेल्स खुद न्यूरॉन की तरह एक्ट करने लगे, सेकेंडरी वाले खुद न्यूरॉन की तरह एक्ट नहीं करते, पर वो ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके जो एडजेसेंट न्यूरॉन होता है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है। ना ऑन बेसिस के आपके सेंसरी रिसेप्टर्स, ये सेंसरी सेल्स कहाँ प्रेजेंट हो गए, वो तीन टाइप के हो सकते हैं, थ्री टाइप्स। बेसिस उनकी लोकेशन क्या है, लोकेशन के बेसिस पे। पहला तो एक्स्ट्रो रिसेप्टर मींस जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करे, जैसे आपकी नोज़ हो गए, जो आपके आईज हो गए, इनके अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स हैं। फिर एक्स्ट्रो हो गया तो दूसरा क्या होगा, इंट्रो, जो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड हो, जैसे ब्लड का पीएच हो गया, या आपके हंगर थर्स्ट इंटरनल पेन, ग्लूकोज लेवल कितना है, वो सब सेंस करते हैं। फिर आ गया प्रोप्रियोसेप्टर्स वो होता है जो आपके मसल्स से एसोसिएटेड हो। एक तो एक्सटर्नल इंटरनल तो हो गया, वो तो आपको क्लियर नाम से ही समझ में आ रहा है। तीसरा होता है, वो होता है प्रोप्रियोरिसेप्टर, जो आपके मसल के जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है, जॉइंट्स पे मसल्स पे प्रेजेंट होता है, और मसल में हो गया, जॉइंट के टेंडन्स पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, आपके टेंशन को और प्रेशर को सेंस करता है, और सेंस किया फिर सिग्नल दे के ब्रेन वापस जो सिग्नल भेजेगा वो क्या करता है, आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करवाता है। ठीक है, ये तो हमने कहा लोकेशन बेस पे, लोकेशन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास तीन हो गए, एक्स्ट्रो इंट्रो एंड प्रोप्रियोरिसेप्टर। ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप हो जाएंगे, पहला टाइप होता है मकैनो रिसेप्टर वो हो गए जो मकैनिकल प्रेशर होता है उसको सेंस करते हैं। एग्जांपल आपके स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो, जो आपके आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं, प्रेजेंट इन स्किन एंड इन आर्टरीज, जो आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं वो मकैनोरिसेप्टर हो। दूसरे आपके हो जाते हैं थर्मोरिसेप्टर, वो जो कोल्ड हो सकते हैं,
या वार्म हो सकता है, गर्मी को सेंस कर सकता है या कूलनेस को सेंस कर सकता है। फिर होता है पेन रिसेप्टर। पेन रिसेप्टर्स एग्जांपल आप दे रहे हो नोसी सेप्टर्स। इसके ये सेम रिसेप्टर पे क्वेश्चन आ रखा है कि नोसी सेप्टर कौन से टाइप का रिसेप्टर, इट्स एन पेन रिसेप्टर, पेन सेंस करता है ये। ऐसे याद रख लीजिए, पेन होगा तो हम चाहते हैं, क्या पेन आप चाहते हैं, नो, तो नो सी सेप्टर्स आपके पेन रिसेप्टर्स हो गए। फोर्थ आपके हो गए फोटो रिसेप्टर, एग्जांपल सबको पता ही है जो आइज़ में प्रेजेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स आइज़ में कौन से होते हैं, रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। फिर आप कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स, पहले तो हमने दे दिए मैकेनिकल प्रेशर को, फिर टेम्परेचर को, पेन को, लाइट को, अब केमिकल को जो सेंस करता है कीमो रिसेप्टर्स। ये आपके कहाँ पे होंगे, टंग पे होंगे और नोज़ में होंगे। और इंटरनली आपके ये क्या चेक करते हैं, CO2 लेवल कितना है, pH कितना, आयन कितना है, ये। चलिए ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम पहला रिसेप्टर स्टार्ट करते हैं, वो हो गया आपके नोज़ में जो होता है, ऑल्फैक्शन के लिए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्शन मीन्स द सेंस ऑफ स्मेल, कौन देखता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। एक जनरल मैं आपको यूँ ही कहती हूँ कि कहते हैं कि लड़कियों के नाक बड़ी तेज होती है, कोई झूठ नहीं है इसमें, होती है क्योंकि गर्ल्स में, फीमेल्स में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। कहाँ पे होंगे, आपके नाक में, ये आपकी नोज रही, नोज में ये आपका ओपनिंग रह गई, नसल ओपनिंग, यहाँ पे आपके होते हैं ये रिसेप्टर्स। यहाँ से आपके ओडोरेंट, मतलब ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स आपके आ जाते हैं अंदर, यहाँ पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे इनके रिसेप्टर्स हैं, यहाँ से सिग्नल आगे गया, आगे जाके यहाँ पे होता है ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर यहाँ से आपके सिग्नल जाते हैं ब्रेन में। ये तो आपके रहा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये रहा आपका ओल्फैक्टरी लोब, ये है आपके ओडोरेंट मॉलिक्यूल, और यहाँ पे म्यूकस होता है। यहाँ से आपके सिग्नल गए ओल्फैक्टरी लोब पे, फिर ब्रेन में। ये आपका ओडोरेंट नर्व हो गया, इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ओडोरेंट रिसेप्टर्स, इनके ऊपर आके ओल्फैक्टरी ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। जैसे ही ये मॉलिक्यूल इधर रिसेप्टर पे जुड़ते हैं, आपको टेक्निकली ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी, बस ये सोच लीजिए कि ये जो रिसेप्टर है ये JPCR टाइप के रिसेप्टर्स हैं। JPCR रिसेप्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर अल्फ़ा, बीटा और गामा जी प्रोटीन्स जुड़े हुए होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा जी प्रोटीन्स जुड़े होते हैं यहाँ पे। जैसे ही ये ओडोरेंट आके इससे रिसेप्टर से जुड़ता है, यहाँ से ये बीटा गामा निकलते हैं, और यहाँ पे पास में होती है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेस। एडिनाइलेट साइक्लेस क्या करता है, ATP को तोड़ के साइक्लिक AMP बनाता है, एंड दिस साइक्लिक AMP एक्चुअली एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ये साइक्लिक AMP जाके एक्टिवेट किसको करता है, सोडियम कैल्शियम चैनल को, और सोडियम कैल्शियम चैनल के इनफ्लक्स की वजह से क्या होता है, आपके डीपोलराइजेशन। डायरेक्टली तो कुछ हो नहीं सकता, आके ये मॉलिक्यूल आके, ओडोरेंट मॉलिक्यूल आके चिपक गया, फिर क्या, ये लिगेंड गेटेड चैनल्स नहीं है ना, ये रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ में
प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं। इन प्रोटीन में से दो प्रोटीन जाके किसको, एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेस को, वो आपके एटीपी को कन्वर्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी में। एंड दिस साइक्लिक एएमपी एक्चुअली ओपन्स द सोडियम कैल्शियम चैनल, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अभी रिसेंटली कोरोना में आपने देखा था कि आपकी सेंस ऑफ स्मेल चली गई थी, आप कुछ सूंघ रहे थे, आपको कुछ सूंघ तो पा ही नहीं रहे थे। तो जब आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाती है तो दो कंडीशन होती है, अगर आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाती है तो दो कंडीशन आती है, एक तो आपको स्मेल या तो कम आएगी, तो उसको कहते हैं हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, हाइपोऑस्मिया, जबकि आपकी सेंस ऑफ स्मेल कम हो जाती है, और एक जिसमें सेंस ऑफ स्मेल बिल्कुल चली जाए उसको हम कहते हैं एनऑस्मिया, एनऑस्मिया, जब सेंस ऑफ स्मेल चली गई, जैसे आपके कोविड कोरोना वायरस की वजह से हुआ था। कोरोना वायरस का जो रिसेप्टर था वो क्या था, याद रखिएगा, कोरोना वायरस का रिसेप्टर था ACE2 रिसेप्टर, ये आप अपने जनरल सेंस में रख लीजिएगा कि कोरोना वायरस का जो रिसेप्टर था वो ACE2 रिसेप्टर था। नेक्स्ट जो हम सेंसेशन पढ़ेंगे वो होती है गैस्टेशन को पढ़ेंगे, मीन्स सेंसेशन ऑफ स्मेल, टेस्ट के सेंसेशन को पढ़ेंगे। टेस्ट का सेंसेशन आपको कहाँ से होता है बेटा, आपको पांच, आपकी बॉडी एक्चुअली पांच टेस्ट को सेंस कर सकती है। एक तो आपके पहले सबसे सबका फेवरेट स्वीट, बिटर, सार एंड सॉल्टी, ये तो चार हो गए, पांचवा कौन सा है देखिए आप, अगर आपको याद आए तो चलिए मैं बताती हूँ। पांचवा आपका होता है उमामी, चार तो सब बता देते हैं स्वीट सॉल्टी ये वो, पांचवा आपका होता है उमामी होता है। उमामी टेस्ट क्या होता है, जो आपकी मीट का टेस्ट होता है, मीट का, बीफ का, आपका जो नॉन वेज टेस्ट होता है उसको पांचवा टेस्ट कहते हैं उमामी टेस्ट, ठीक है। आपके पांच, आपकी बॉडी पांच टेस्ट सेंस कर सकती है, या तो वो स्वीट होगा, बिट्टा, सार, सॉल्टी, उमामी। आप तो ये भी कहोगे जब मिर्ची खाते हैं मुझे मिर्ची लगती है, तो मिर्ची लगना कोई टेस्ट नहीं है। जब आप चिल्ली खाते हैं तो आपकी जो सेंसेशन होती है वो बर्निंग सेंसेशन होती है, चिल्ली का खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, आपकी जलन होती है मुंह में, ठीक है। टंग पे कौन से होते हैं आपके टेस्ट बड्स, ये आपका टेस्ट सेंस करते हैं। टेस्ट बड्स किस में प्रेजेंट होता है, कुछ सेल्स होते हैं उनके बेस पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स, इनको हम कहते हैं, जो सेल्स उभरे हुए होते हैं इनको हम कहते हैं पैपिला। हमारे टंग पे ये पैपिला होते हैं चार टाइप के। टंग के पीछे अगर आपने कभी गौर किया होगा, ऐसे गोल 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 से आपको दिखेंगे, ये है आपके पैपिला, इनको कहते हैं हम सरकम वेलेट पैपिला। ये इनका साइज सबसे बड़ा होता है और ये आपका सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंस करते हैं, मीन्स इनके अंदर टेस्ट बड्स। ये पैपिला ऐसे होते हैं, यहाँ पे हमारी ओपनिंग होती है और यहाँ पे टेस्ट बड्स होता है। टेस्ट बड्स ये जो दिख रहे हैं ये नहीं है, ये तो पैपिला है, इनके बेस पे टेस्ट बड्स होता है, ये आपके हो गए, सबसे ज़्यादा इसमें ही होते हैं। फिर आपके जीभ पे ऐसे दाने दाने आपने बहुत देखे होंगे, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया फिलीफॉर्म वाले पैपिला होते हैं, उनमें कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होते, ये सिर्फ लिकिंग के काम आता है। दूसरे वाले जो होते हैं उसको हम कहते हैं फंगी, जो थोड़े से गोल होते हैं, फंगी फॉर्म पैपिला।
मीन्स आपके जो जीभ की ये ऊपर फ्लैट वाला साइड होता है उस पर दो टाइप के आपके पैपिलास प्रेजेंट होते हैं, एक तो फंगीफॉर्म, एक होती है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म में तो कोई टेस्ट बड्स होते ही नहीं है। फिर आपकी जीभ के कोने वाली साइड आपने देखोगे ऐसे ऐसे आपको दिख जाएगा आराम से। जब आप टंग क्लीन करते ना इनको नोटिस कीजिएगा ज़रा, इनको हम कहते हैं फोलिएट पैपिले। तो आपको चार्ज पैपिले पता चल गए, सबसे पीछे वाले साइड जो गोल गोल होते हैं सर्कम्पेलर, जो साइड में होता है उनको हम कहते हैं फोलिएट, जीभ के ऊपर होते हैं फंगी एंड फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म के पास कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होते। अब आपका फिलीफॉर्म हमने कह दिया इसमें कोई टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, फंगी फोलिएट। फोलिएट जो होते हैं ना ये एक्चुअली आप जब छोटी स्टेज में होते तब ज़्यादा एक्टिव होता है, मैक्सिमम मैंने कहा था सर्कमवेलेट पैपिले में होता है। फिर इसी में आप देख लीजिए कि ज़्यादा क्यूरियस हो रहे तो कौन सा पार्ट आपके कौन से टेस्ट को सेंस करता है। आगे वाला पार्ट स्वीट को करता है, फिर आता है सॉल्टी, फिर आता है सार, और लास्ट वाला पार्ट होता है ये बिटर। ठीक है, ये तो मेन होता है। फिर उमामी आ गया आपका नॉन वेज वाला, स्वीट सॉल्टी सार बिटर। जैसे अभी हमने सूंघने के डिसफंक्शंस डिसऑर्डर्स देखे थे, अब हम टेस्ट के भी डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। पहला मैंने कहा ए का मतलब होता है नॉट, गेस्टेशन मीन्स, गेस्टेशन मतलब आपका टेस्ट कैसा है। ए गौशिया मीन्स टेस्ट आ ही नहीं रहा, जो आपके यहाँ से आपके टेस्ट के लिए जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उनमें से, ये भी आप देख लीजिए नोट कर लीजिए अगर याद रहे तो, आपके क्रेनियल नंबर 7, 9 एंड 10, ये तीन क्रेनियल नर्व्स हैं जो टेस्ट से रिलेटेड होती है। सेवन्थ वाले का नाम होता है कॉर्डा टिम्पैनी, नाइन्थ का होता है कॉर्डा टिम्पैनी आपके एयर वाली भी है, नाइन्थ वाली हो जाए वो ग्रॉसो फेरेंजियल नर्व, टेंथ वाली होती है वेगल नर्व। ये तीनों के तीनों आपके माउथ से रिलेटेड ही होती है। नाइन्थ वाली जो सेवन्थ वाली हो गई वो हो गई आपकी कॉर्डा टिम्पैनी, ग्लॉसो फेरेंजियल टोटली आपके टंग को डेडिकेटेड होती है। कौन सी नर्व है जो आपकी टंग को डेडिकेटेड है, तो वो नाइन्थ है। ये आपकी टंग के ऊपर जो सर्कमवेलेट पैपिले है वहाँ से आपका एपिग्लॉटस और फेरिंग्स इनको कंट्रोल करे, और वेगल जो टेंथ वाली है वो टोटली आपका एपिग्लॉटस और फेरिंग्स वाले पार्ट को कवर करती है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन से क्रेनियल नर्व है जो आपकी टंग को कंट्रोल करती है, तो नाइन्थ याद रखिएगा। अगर ये नाइन्थ वाली नर्व आपकी डैमेज हो जाए तो आप टेस्ट सेंस ही नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन को कहते हैं ए गौशिया। सेकेंड, अगर टेस्ट कम सेंस हो तो आप कहेंगे हापो गौशिया। और अगर अल्टर टेस्ट हो, जैसे आपकी सर्दी के टाइम हो जाता है ना, खा कुछ रहा है टेस्ट कुछ आ रहा है वैसा हो, तो उसको कहते हैं डिस मीन्स अलग, डिस गौशिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन जो हम पढ़ेंगे वो है ईयर। ईयर ये किसके लिए काम आता है, सुनने के लिए, ये तो आपका इंस्टेंट रिप्लाई होगा। दूसरा, ये बैलेंसिंग अपैरेटस भी है आपके बॉडी का बैलेंस। आप जब जोर से झूले पे घूमते हो तो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप जब वापस उतरते हो तो आप डिसबैलेंस होते हो, क्योंकि आपके कानों के अंदर जो लिक्विड होता है वो हिल चुका होता है, और उसको वापस आपको प्रॉपर खड़े होने में कौन हेल्प करता है, ईयर। वो ही सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि डिसबैलेंस हो चुके हैं हम, वापस बैलेंस कीजिए, इक्विलिब्रियम में लाता है। तो ईयर्स के दो काम हो गए, एक तो ऑडिटरी सेंसेशन एंड सेकेंडली इक्विलिब्रियम। मोटा मोटा ईयर का पहले ओवर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका एक्सटर्नल ईयर पार्ट हो गया। आपके ईयर के तीन पार्ट होते हैं, एक तो हो गया एक्सटर्नल, फिर मिडल, फिर इनर। ये आपके कान जो आपको बाहर दिखता है वो
ये आपके ईयर कैनाल, इसको हम कहते हैं ईयर कैनाल। ये जो बाहर का पार्ट जो आपको विजिबल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पिना, ईयर पिना। फिर आपके आता है ईयर कैनाल, यहाँ पे आपका कान का पर्दा होता है जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम, या फिर हम कहेंगे इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर आपको पता है कहते हैं कि कान में तीन हड्डियाँ होती है, वो कौन सी हो गई? पहली होती है आपकी एक हैमर शेप्ड की बोन जिसको हम कहते हैं मेलियस। सेकंड आपकी होगी उसको हम कहते हैं इनकस। और थर्ड जो होती है उसको हम कहते हैं स्टेपीज। यहाँ से पहले वाला जो पार्ट था जिसमें हमने पिन्ना, ईयर कैनाल और मेम्ब्रेन पढ़ी, ये आपका एक्सटर्नल ईयर का पार्ट आता है। ये तीनों बोन्स जो पढ़ी और यहाँ पे जो चैम्बर होता है, जो कैविटी होती है टिम्पैनिक कैविटी, उसको और तीनों बोन को मिला के हमारे बनता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर से ही आपकी एक कैनाल जाती है जो फेरिंग्स के पास आती है, उसको हम कहते हैं पुस्टैशियन कैनाल। किस काम आता है आगे देखेंगे। उसके बाद में ये आपकी जो स्टेपीज होती है कि फिर से एक विंडो से जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं ओवल विंडो। और इसके बाद में आपका आता है इनर ईयर, जिसमें आपके पहले तो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है। फिर आपके पास आता है एक कॉइल्ड पार्ट जिसको हम कहते हैं कॉकलिया, जो आपका एक्चुअली सुनने का काम करता है। ये जो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल और एसोसिएटेड अपैरेटस होता है, ये इक्विलिब्रियम बनाएंगे। और ये जो आपका कॉइल्ड पार्ट है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं कॉकलिया, वो आपका हियरिंग पार्ट होता है। ठीक है, एक एक को इन डेप्थ देखते हैं। पहले आपका एक्सटर्नल ईयर, पहला पार्ट हो गया पिना। ये आपकी जो साउंड वेव्स होती है उनको गैदर करने के लिए काम आता है, दूसरा और इसका कोई काम नहीं है। सेकंड पार्ट आपका आ जाता है ईयर कैनाल। ये जो इसमें क्या होते हैं आपके होते हैं ईयर वैक्स, आपके ग्लैंड्स होते हैं जो ईयर वैक्स सिक्रीट करते हैं। कौन से ग्लैंड? सिबेशियस ग्लैंड। यहाँ पे आपके कौन से ग्लैंड होंगे? सिबेशियस ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं ईयर वैक्स। फिर आपका ईयर ड्रम आ जाता है जो वाइब्रेट करता है जब साउंड वेव्स इसके पास आती है। जैसे ही ये वाइब्रेट करता है इसके साथ एसोसिएटेड जो ईयर ऑसिकल जो बोन होती है मेलियस, वो वाइब्रेट करती है। वो फिर पास वाले को स्ट्राइक करेगी, वो नेक्स्ट को स्ट्राइक करेगी, और वो अंदर वाला जो आपका ओवल विंडो वाली ले मेम्ब्रेन है उसको स्ट्राइक करके वाइब्रेशन करवाती है। मिडिल ईयर में आपके पास पहले तो हो गए टिम्पैनिक कैविटी, ये कनेक्टेड होती है किससे? फेरिंग्स। फेरिंग्स की जो कैविटी होती है उससे कनेक्टेड होती है। क्यों? ताकि जो मिडिल ईयर में प्रेशर हो और जो एक्सटर्नली प्रेशर हो वो एयर प्रेशर सेम हो। फेरिंग्स में आपके मुंह में जो प्रेशर होगा वो वही है जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये इसलिए करते हैं ताकि आपने कभी आपके कान बंद हो जाते हैं ना अचानक से, वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। और जैसे ही प्रेशर डिफरेंस आता है आपको पता है हायर प्रेशर तो लोअर प्रेशर एयर मूव करेगी, इसकी वजह से ये आपका ईयर मेम्ब्रेन रहता है ये बेंड हो जाती है और आपको फील होता है कि ईयर ब्लॉक हो गए। ये ठीक कब होता है? जब आपके दोनों साइड मेम्ब्रेन के दोनों तरफ के जो ईयर प्रेशर हो वो सेम हो। ये तीन बोन्स आ जाते हैं, मेलियस जो हैमर शेप्ड होती है, ये सबसे लार्जेस्ट बोन होती है इन तीनों में। उसके बाद में आती इनकस जो मेलियस और स्टेपीज को कनेक्ट करती है, और स्टेपीज जो पूरी बॉडी की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट होती है वो स्टेपीज होती है। ये कनेक्टेड होती है ओवल विंडो से, जिसका दूसरा नाम है फेनेस्ट्रा
ओवेलस, पेनिस्ट्रा ओवेलस। फिर आ जाता है आपका इनर ईयर। इनर ईयर को थोड़ा यहाँ पे टंग से बनाते हैं। मैंने कहा इनर ईयर में आपके पहले तो हो गए तीन, आपके होती है तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है। इन कैनाल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं लोब लाइक स्ट्रक्चर, आपको इससे ज़्यादा सही से दिखेंगे। उसमें होते हैं दो एम्पुला, दो एम्पुला, और एक होता है उसको हम कहते हैं यूट्रिकल। टू एम्पुला एंड यूट्रिकल। एम्पुला में जो एम्पुला से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं मैक्यूले, नहीं मैक्यूले इसमें नहीं होता, इसमें होते क्रिस्टे। ये हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। इनके बेस में जो स्वलन पार्ट होते हैं उसमें होता है एम्पुला, और एम्पुला एक यूट्रिकल होता है। एम्पुला के अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टे। ये क्या है एम्पुला। और जो दूसरा स्ट्रक्चर हमने किया था यूट्रिकल, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसमें भी फोल्डेड ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं मैक्यूले। ये दोनों क्रिस्टे और मैक्यूले ये हेल्प करते हैं बैलेंसिंग में। मैक्यूले तब बैलेंसिंग करता आता है जब बॉडी स्टैटिक हो, स्टैटिक बैलेंसिंग में हेल्प कराता है, जब आपका हेड को स्टैटिक पोजीशन में रखता है, व्हेन यू आर इन रेस्ट, और वो ट्रांजिशन वाली स्टेट होती है तब ये उसको मेंटेन और सेंस करने में काम आता है। जब आप मोशन में हो, डायनेमिक नेचर हो आपका, मोशन में हो, जैसे सर रोटेट हो रहा हो, तब आपका क्रिस्टे वो बैलेंसिंग में काम देता है। इनमें क्या होता है, ये सेल हो गए, सेल के ऊपर सीलिया होता है, और सीलिया के ऊपर यहाँ पे होते हैं आपके पत्थर, आपका हो गया पत्थर लिथ, कैल्शियम कार्बोनेट के पेबल्स टाइप होते हैं जिनको हम कहते हैं ओथोलिथ, ये प्रेजेंट होते हैं। अभी ये तो आपका हो गया कि ऐसे हिलने पे ये तो झड़ जाना चाहिए, नहीं झड़ते क्योंकि इनकी कवरिंग हो रखी है किससे, जेलेटिनियस सब्सटेंस है। तो आपके यहाँ पे सेल्स हो गए, इनके ऊपर सीलिया होते हैं जिनको काइनोसीलियम कहते हैं, इनके नीचे आपके सेंसरी न्यूरॉन तो है, इनके ऊपर होते हैं ओथोलिथ जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, अपनी जगह पर रखते हैं जेलेटिनियस सब्सटेंस। जैसे ही हेड की पोजीशन चेंज हुई, ये स्टोन भी आगे पीछे हिलेंगे, जैसे हिलेंगे ये सीलिया बेंड होता है, बेंड होते ही मकैनो रिसेप्टर है, प्रेशर आया, चेंज हुआ, डीपोलराइज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, और सेंसरी न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ये भले क्रिस्टा हुआ या मैक्यूला हुआ, यही प्रोसीजर यूज़ होता है। और सेम प्रोसीजर ही है जो आपके जो हियरिंग वाला पार्ट हो जाए, जो कॉक्लिया में पार्ट है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये हमने कह दिया ये तीन पार्ट हो गए, सेमी सर्कुलर कैनाल, नीचे सैक लाइक स्ट्रक्चर, दो एम्पुला, एक यूट्रिकल, एम्पुला में क्रिस्टे जो डायनामिक बैलेंसिंग करवाता है, और यूट्रिकल में मैक्यूले जो स्टेशनरी बैलेंसिंग कराता है। इसके साथ में जो एसोसिएटेड कॉइल्ड पार्ट होता है, आप इसको एसोसिएटेड कॉइल्ड पार्ट को यहाँ देखो, इसके साथ एक कॉइल्ड पार्ट होता है, उस कॉइल्ड पार्ट को हम कहते हैं कॉकलिया।
कॉकलिया जो आपका ऑडिटरी अपैरेटस होता है। आपका ऑडिटरी पार्ट कौन सा हो गया? कॉकलिया। इस कॉकलिया का अब हम स्ट्रक्चर आगे डिटेल में देखते हैं। जैसे ये आपका कॉकलिया हो गया, इसका एक पार्ट देखते हैं हम। ये आपकी ओवल विंडो है, वहाँ से यहाँ पे कॉकलिया का पार्ट हो गया। इसमें तीन रीजन होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। इसमें तीन पार्ट होता है, एक तो हो गया, दो मेम्ब्रेन हो गए, एक रेसिना, ऊपर वाली मेम्ब्रेन रेसिना, और ये होती है बेसिलर मेम्ब्रेन। तीन चैम्बर आपको दिख रहे हैं। जो आउटर चैम्बर होता है उसको कहते हैं स्केला, वेस्टिब्यूला, ये हो गई स्केला, मीडिया, और नीचे वाली होगी स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिब्यूला, मीडिया, टिम्पैनी, दोनों जो बाहर वाली है उनमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं पेरी लिम्प। जो बीच वाले में लिक्विड भरा होता है उसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। इतना तो आप समझ गए होंगे। तीन चैम्बर होते हैं, दो मेम्ब्रेन की वजह से बनते हैं, रेसिना बेसिला, रेसिना बेसिला। आउटर वाले को कहते हैं स्केला वेस्टिब्यूला, स्केला वेस्टिब्यूला, नीचे वाले को कहते हैं फिर स्केला मीडिया, स्केला टिम्फेनी, बाहर वालों में पेरिलिम्प, बीच वाले में एंडोलिम्प। बीच वाला जो ये चैम्बर है स्केला मीडिया, और उसमें भी बेसिला मेम्ब्रेन, उसका आप देखो ये बेसिला मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर होते हैं आपके सेल्स। कौन से सेल्स? देख, इसके ऊपर आपके होते हैं दो टाइप के सेल्स। एक तो होते हैं इन्ना हेयर सेल्स, ऐसे फ्लैटिश होते हैं वो थोड़े, और एक होते हैं आउटर हेयर सेल्स। ये आउटर हेयर सेल का आप स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है। इसके ऊपर कैसे होते हैं? सीलिया होते हैं। मैंने इनका नाम बताया था, क्या था इनका? कीनो सीलिया। ये कौन सा है? ये आउटर हेयर सेल है, ये इनर हेयर सेल है। यहाँ पे सारे सीलिया एक ही हाइट पे नहीं होते हैं, ये एक ग्रेडियंट बनाते हैं। ये लंबे हो गए, ये छोटे हो गए, और ये मोशन सेंस करते हैं। कैसे? यहाँ पे ये आउटर सेल्स प्रेजेंट है, इनके ऊपर होती एक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, जो हिलती है, तो हिलने को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक। तो ये हो गई टेक्टोरियल, टेक्टोनिक से थोड़ा सा अलग मेम्ब्रेन। ये उन पत्थर की तरह रिजिड होती है, तो जैसे ही यहाँ पे सेंसेशन आएगा ये मेम्ब्रेन आगे पीछे जाती है, उसकी वजह से ये सीलिया बेंड होता है। सीलिया अगर अगर सीलिया इफ दे बेंड टूवर्ड्स द लार्जर वन, तो क्या होगा? आपके डीपोलराइजेशन होगा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और सिग्नल ब्रेन को जाएंगे। पर अगर सीलिया बेंड हुए छोटे वाले की साइड, तो क्या होता है? हाइपर पोलराइजेशन, और कोई सिग्नल ब्रेन को नहीं जाता। तो ये आपने देख लिया, बेसिला मेम्ब्रेन पे आउटर हेयर सेल होते हैं जिनके सीलिया एसोसिएटेड होते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। वो मेम्ब्रेन जब हिलती है तब सिग्नल जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गई, आउटर हेयर सेल हो गए, बेसिला मेम्ब्रेन हो गई, ये एक साथ मिला के जो आपका यूनिट ऑफ हियरिंग है, जो हियरिंग अपैरेटस है एक्चुअली, उसको हम नाम देते हैं ऑर्गन ऑफ पॉटी। कॉकलिया में जो एक्चुअली सुनने का काम करता है वो तो इतना सा ही हिस्सा कर रहा है ना, इसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। तो हम सुनने का पूरा वापस देख लेते हैं। ये आपका आउटर ईयर, यहाँ से आपके वो चैनल में, ईयर कैनाल में आ गई साउंड, मेम्ब्रेन हिली,
मेलियस, फिनकस, स्टेपीस, ओवल विंडो से एसोसिएटेड है। ये आपका हो गया स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला टिम्फेनी, स्केला मीडिया। इसमें यहाँ पे आपके ये हो गए आउटर हेयर सेल्स, इनके ऊपर टेक्टोनिक मेम्ब्रेन हो गई है और अब ये हिलती है। दूसरा यहाँ से साउंड आ गए कहाँ पे? ओवल विंडो से कॉकलिया में, बेसिलर मेम्ब्रेन को जैसे हिट करता है ये सेल्स मूव होंगे। जैसे ही सेल मूव होता है, ये तो रिजिड है ऊपर वाले, सिग्नल चला जाता है। अब आपको हियरिंग रेंज तो पता ही होगी, हियरिंग रेंज हमारी कितनी है? 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। इससे कम हो जाती है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। बिलो 20 हर्ट्स इंफ्रासाउंड होती है जो हम नहीं सुन सकते हैं। वो कौन सा हो सकता है? एलिफेंट। 20,000 हर्ट्स से ऊपर ज़्यादा हो जाती है अल्ट्रासाउंड, जो हम नहीं सुन सकते, बैट सुन सकते हैं। ये हमारी रेंज होती है हियरिंग रेंज। 20 हर्ट्स सुनाई देता है यहाँ पे। जो एपिक्स पार्ट है ये वाला पार्ट, यहाँ पे आप सुनते हो 20 हर्ट्स के साउंड, और ये होती है ये 20,000 हर्ट्स की। ये मैक्सिमम है, इस टिप से इस टिप पे इतनी ही रेंज होती है, इससे ज़्यादा हम सुन ही नहीं पाते। और इसके साथ में आपका हियरिंग वाला सेंस ऑर्गन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइस। आपका नेक्स्ट जो है वो है फोटो रिसेप्टर। मैं यहाँ पे आइस का स्ट्रक्चर नहीं बताऊँगी, मैं बताऊँगी ये रिसेप्टर कैसे काम करते हैं। फोटो रिसेप्टर जो लाइट को सेंस करेंगे। हमारे बॉडी में दो फोटो रिसेप्टर्स हैं, कौन कौन से? रॉड्स एंड कोन्स। कहाँ पे? रेटिना पे। रॉड को रॉड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही रॉड लाइक है। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे एंड में टर्मिनल। ये हो गया आउटर सेगमेंट, ये इनर सेगमेंट। ये मेम्ब्रेन होती है, अंदर ऐसे स्टैक्स बने होते हैं जिनके अंदर एक्चुअली पिगमेंट होता है। इतने पार्ट को हम जूम आउट करते हैं, कितना हो गया? ये अंदर स्टैक का मेम्ब्रेन है, सही से बनाते हैं। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये अंदर एक स्टैक को बता रही हूँ मैं, एक डिस्क को, जिसके अंदर ये पिगमेंट्स होता है। ये आपके पिगमेंट्स हैं। सो जो पिगमेंट एसोसिएटेड होते हैं उनको ओवरऑल तो हम कहते हैं रोडोप्सिन। जो रॉड्स के होते हैं वो रोडोप्सिन, जो कॉन्स में होते हैं वो आइडोप्सिन होते हैं। रोडोप्सिन रॉड्स वालों का दूसरा नाम होता है स्कोटोप्सिन। कॉन्स के साथ होता है आइडोप्सिन, या इनको हम कहते हैं फोटोप्सिन। क्यों? क्योंकि रॉड्स डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं। ये आपको कभी लाइट विजन नहीं देते, ये डिम लाइट में विजन देते हैं। दे आर लाइट सेंसिटिव। ये ब्लैक एंड वाइट देंगे कलर? नहीं, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाते हैं, डिम लाइट में बनाते हैं। जबकि कॉन्स होता है वो कलर्ड इमेज बनाते हैं और वो ब्राइट लाइट में एक्ट करते हैं। तो हमने कहा रॉड का रोडोप्सिन, कॉन्स का आइडोप्सिन या फोटोप्सिन हमें कहते हैं। कॉन्स को कॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कॉन जैसा होता है। ये ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा ब्रश जैसा स्ट्रक्चर, नीचे वाला स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही होता है, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। फिर इसमें भी स्टैक होता है। अब कलर के लिए हमें तीन बेसिक कलर हो गए, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो ये जो डिस्क होती है इसके अंदर ये तीनों कलर होंगे। ये हो गया आपका रेड, आपका रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन पिगमेंट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो एक्चुअल विजुअल पिगमेंट आपका रोडोप्सिन,
वो कैसे काम करते हैं, विजुअल पिगमेंट। रॉड्स में रोडोप्सिन, नहीं इसको आप ऐसे करो, विजुअल पिगमेंट हो गया रोडोप्सिन। ये दो पार्ट से बना होता है, एक तो रेटिनल जिसका प्रीकर्सर होता है विटामिन ए, तभी कहते हैं राइस ज़्यादा खाया करो। दूसरा आपका होता है ऑप्सिन, जो प्रोटीन पार्ट हो गया, ऑप्सिन प्रोटीन। रॉड्स वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्कोटॉप्सिन। कॉन्स वाला फोटॉप्सिन, और डिपेंडिंग के वो कौन सा कलर सेंस कर रहा है उसका अलग अलग नाम होता है। अगर वो ब्लू कलर सेंस करता है तो उस वाले ये फोटॉप्सिन दो टाइप के हो गए, दो क्या तीन टाइप के हो गए डिपेंडिंग कौन सा लाइट है। अगर ब्लू कलर सेंस करता है तो उसको कहते हैं साइनॉप्सिन। ग्रीन जो सेंस करता है उसको कहते हैं एडॉप्सिन। जनरली हम पूरे कॉन्स को ही एडॉप्सिन कह देते हैं, पर जो ग्रीन कलर को सेंस करने वाला कौन होता है उसको एडॉप्सिन कहते हैं, ब्लू वाले को साइनॉप्सिन और रेड वाले को क्या कहेंगे पायरॉप्सिन। जो ग्रीन और रेड कलर के पिगमेंट के जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, तब भी ग्रीन रेड कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जबकि ब्लू वाले के जो होता है वो ऑटोसोम पे पड़े होते हैं, वो भी रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है अगर डिफेक्टेड होते हैं तो। अब हम एक्चुअली दिखेगा कैसे आपको वो बताते हैं, लेट मी टेक अनदर। हम रॉड्स की फंक्शनिंग देखते हैं, हमने कहा रॉड्स लाइट में सिग्नलिंग करते नहीं है, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, और डिम लाइट में मींस एब्सेंस ऑफ लाइट में एक्ट करेंगे। तो अगर लाइट प्रेजेंट होती है तब क्या होता है और एब्सेंट होती है तब क्या होता है, ये आपका रॉड का हो गया डिस्क। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो रेटिनल है जो रोडोप्सिन का कंपोनेंट बताया था मैंने, जिसका प्रीकर्सर विटामिन ए है, वो दो स्टेट में रहेगा डिपेंडिंग लाइट है कि नहीं है। रेटिनल दो कंडीशन में रहेगा, पहला है 11th सिस रेटिनल। अगर लाइट आ गई 11th सिस रेटिनल पे लाइट, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल में, मीन्स इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लाइट नहीं होती है तो ये ऑल ट्रांस रेटिनल जल्दी से कन्वर्ट होता है ऑल सिस रेटिनल में, ठीक है। ये आप इतना सा साइकिल याद रखिएगा कि ऑल सिस रेटिनल है, अगर उस पर लाइट गिर रही तो वो ऑल 11 सिस रेटिनल ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही डार्कनेस हुई तो ये ट्रांस रेटिनल सिस में कन्वर्ट हो जाता है, और डिपेंडिंग इनका कि कौन सा है ये मैं आपको डायग्राम से ही बताती हूँ। पहले आप कंडीशन देखिए जब लाइट एब्सेंट हो, ये आपका रेटिनल है 11 सिस रेटिनल, ये वाला पार्ट 11 सिस रेटिनल है, इसके साथ प्रोटीन एसोसिएटेड है कंप्लीट, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया रोडोप्सिन, ठीक है। इसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं कुछ प्रोटीन्स, जी अल्फा ट्रांसड्यूसिन। जैसे लाइट एब्सेंट होती है ये अल्फा हो गया, इसके साथ में बीटा और गामा भी एसोसिएटेड। मैंने कहा क्या कहते हैं जी प्रोटीन्स, जो आपने जी सी पी आर रिसेप्टर के साथ भी एसोसिएटेड थे, सेम जी प्रोटीन्स जिनके तीन सब यूनिट्स होते हैं वो आपके रोडोप्सिन के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। थोड़ी डिस्टेंस पे आपके हैं फोटो फॉस्फो डाइएस्टरेस,
जब लाइट एब्सेंट होती है ना, इस पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है ना इस पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, ये डिसोसिएट नहीं हो रहे, ये डिसोसिएट नहीं हो रहे मीन्स ये फॉस्फोडाइस्टरेस भी किस कंडीशन में है, इनएक्टिव स्टेट पे है, इनएक्टिव स्टेट पे है। और जो आउटर मेम्ब्रेन पे आपकी सोडियम लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन रह रहा है। अब इस पे लिगेंड कौन सा है, वो है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी आके लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल पे जुड़ता रहता है, सोडियम अंदर आते रहते हैं, डीपोलराइजेशन होता है और नर्व ट्रांसमिशन होता है। मैं सिंपल से आपको वापस बता दिया, जैसे हम ऑल्फैक्टरी वाला पढ़ रहे थे कि जिसमें आपका रिसेप्टर क्या था, GPCR था और उसके साथ में पी प्रोटीन एसोसिएटेड थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, GCPR की जगह अब क्या है, 11 सिस रेटिनल और ऑप्शन एक साथ मिलके रोडोप्सिन हो गए, उसके साथ में जी प्रोटीन एसोसिएटेड है। पर क्योंकि लाइट एब्सेंट है तो ये यहाँ से कोई सब यूनिट डिसोसिएट नहीं होती, नहीं होती तो इसके पास में ही प्रेजेंट फॉस्फोडाइएस्टरेस को एक्टिवेट नहीं करती। फॉस्फोडाइएस्टरेस एक्टिवेट नहीं होता तो कोई भी साइक्लिक जीएमपी नहीं बनती, उसकी जगह क्या बनता है, साइक्लिक एएमपी जो ऊपर एडिनाइलेट साइक्लेस बनाता है, वो आके यहाँ पे सोडियम गेट्स होते हैं उसके साथ बाइंड करता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगता है जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है और सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। अगर सेम चीज़ अगर लाइट प्रेजेंट हो फिर क्या, लाइट आई तो पहले तो 11 सिस किस में कन्वर्ट हो गया, ऑल ट्रांस रेटिनल में, इसकी वजह से इसके साथ में जो जी प्रोटीन था उसमें कन्फर्मेशनल चेंज हुए, उसमें से बीटा गामा अल्फा डिसोसिएट हुए, और किसको एक्टिवेट कर दिया इन्होंने, फॉस्फोडाइएस्टरेस को। डाइएस्टरेस मींस दो फॉस्फेट के बॉन्ड्स टूट जाएंगे, किसको कन्वर्ट करता है ये जीटीपी को, किस में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक जीएमपी में। साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक जीएमपी जीएमपी में कन्वर्ट हो गया और जैसे ही ये कन्वर्ट होता है, ये जो आपका लिगेंड गेटेड चैनल है ये बंद हो जाएगा। ये साइक्लिक जीएमपी कहाँ से आया, यहाँ पे आपको साइक्लिक एएमपी कह दिया था, उसकी जगह साइक्लिक एएमपी तो होता ही है, साइक्लिक जीएमपी भी होता है। ये फॉस्फोडाइएस्टरेस क्या करता है, ये साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करने का काम करता है, पर क्योंकि यहाँ पे ये इनएक्टिव है तो साइक्लिक जीएमपी का अमाउंट बढ़ता रहता है, ये जाके यहाँ पे आपके गेट से बाइंड होता है और उसको ओपन कर देता है। पर यहाँ पे जब फॉस्फोडाइएस्टरेस एक्टिवेट हो चुका तो ये इस साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स अब कोई भी लिगेंड जाके इस गेट से बाइंड ही नहीं होगा। जब लिगेंड ही जाके गेट से बाइंड नहीं होगा तो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन ही नहीं होंगे, ओपन नहीं होंगे तो इधर हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट हो जाएगी, मतलब डीपोलराइजेशन तो होगा ही नहीं और रॉड्स भी इनएक्टिव रहती है। तो हम फिर से देखते हैं, 11 सिस रेटिनल था, कोई लाइट नहीं थी, तो इसके साथ एसोसिएटेड जी प्रोटीन में से कोई भी सब यूनिट डिसोसिएट नहीं हुए तो पास वाला फॉस्फोडाइएस्टरेस एंजाइम भी इनएक्टिव रहा, तो साइक्लिक जीएमपी जीएमपी में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये साइक्लिक जीएमपी जाके जुड़ा किससे, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल से, और उनको ओपन कर दिया और डीपोलराइजेशन हो गया। जब लाइट की प्रेजेंस होती है तो पहले तो बन जाता है 11 ट्रांस रेटिनल, जिसकी वजह से एसोसिएटेड प्रोटीन में चेंज होता है, सब यूनिट्स
डिसोसिएट होते हैं और फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। ये साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। इसकी वजह से अब साइक्लिक जीएमपी तो रहे नहीं, गेट बंद हो गया और कोई सिग्नलिंग आगे नहीं होती है। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।